हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कोई वासुदेवन है, इन्होंने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपये, ठीक है, किसी को दिया मान लो, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। कितने परसेंट पर? 12% पे दिया, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो भी कैसे हाफ ईयरली कंपाउंड होगा वो जो दिए हैं। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो वो कितना पाएंगे? तो इसमें दो क्वेश्चन है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, यानी उनको मिलेगा कितना 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद कितना मिलेगा, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। यही चीज आपको हर क्वेश्चन में ढूंढना रहता है एक्चुअली में, कि दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो आपको पता है कि आपको दो काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी कितना है? ₹60,000। आर कितना है? 12%। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आर कितना हो जाएगा हमारा, हाफ ईयरली कंपाउंड रहता है तो हम रेट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो 12% को हम क्या लिख देंगे, 6%। अब हम ये वाला मानेंगे अपना, ठीक है। और टाइम कितना है? अगर पहले क्वेश्चन का देखें तो पहले क्वेश्चन के लिए टाइम है 6 मंथ, और आपको पता है कि टाइम को हमें डबल करना पड़ता है कि नहीं। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, रेट आधा टाइम डबल, इसको डबल कर दो, जब इंटू टू करोगे आप डबल करने के लिए तो क्या आ जाएगा, वो 12 मंथ। कितना आ गया? 12 मंथ। सॉरी, ये जो 12 मंथ आया है, फार्मूला तो हमारा ईयर का है ना, मंथ का तो फार्मूला है नहीं, तो इसको ईयर बना दो। अब मंथ को ईयर कैसे बनाते हैं, बाय डिवाइडिंग 12 ना, 12 को जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर बन जाएगा। किसी भी मंथ को ईयर बनाना है, 12 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, ईयर। तो 12 से 12 जाएगा कितनी बार, 1 बार, यानी जो हमारा टाइम बना ओवरऑल वो क्या बना जाके, 1 ईयर। टाइम हम क्या यूज करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में, 1, और वैसे भी देखो तो 6 महीने में एक ही हाफ ईयर तो होता है, एक छमाही तो होगा, तो 1 होगा हमारा टाइम। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, निकालना क्या है हमको, अमाउंट डायरेक्ट निकालना है, सीआई नहीं निकालना है, अमाउंट ही निकालना है। तो अमाउंट पता करना है, चलिए पता कर लेते हैं। फार्मूला क्या है अमाउंट का, पी 1 + R/100 e^n। पी कितना है बेटा, 60,000, 1 + R कितना है, R जो आधा किए करके लिखे हैं वो वाला लिखेंगे, 6/100 e^n कितना है, 1। तो इसको सॉल्व कर लो, ये किससे कटेगा, दोनों किसी से कटे या ना कटे, इवन नंबर है तो 2 से तो कटेगा ही, 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा ना। अब ये हो गया 60,000, ब्रैकेट खोल दो आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हमने आपको बताया कि मिक्स नंबर की तरह ट्रीट कर लिया करो, यहाँ 1 है, ऊपर 3 है, नीचे 50 है, तो 50 बन जा 50, और 3 को ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 50 बन जा 50 और 3 53, 53/50। और पावर में 1 है तो एक ही बार लिखना है, 2 होता तो 2 बार लिख देते, ये 0 से 0 कट गया आपका ना, और 5 से इसको काट दो, 5 से कटेगा तो 5 × 12 = 60 होता है ना, 12 आ गया और 2 0 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिख दो डायरेक्ट, आपका आंसर आ गया 12 × 3 = 36, कैरी 3, 12 × 5 = 60 और 3 carry था 63, और 2 0 है तो 2 0 लगा दो। ये आंसर आया हमारा किसका, पहले क्वेश्चन का, ठीक है, फॉर सिक्स मंथ, ठीक है।
ये अमाउंट है 6 मंथ के लिए। अब चलिए 1 ईयर का निकाल लेते हैं यहीं पर। 1 ईयर का प्रिंसिपल क्या है? 60,000, रेट 12%, और जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो? 6%, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। और टाइम इस बार कितना हो जाएगा? 1 ईयर है ना, और जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 2 ईयर हो जाएगा, या 2 हाफ ईयर। मतलब नंबर से है कि 2 होगा वो, हाफ ईयर लिखो या ईयर लिखो, ठीक है। टाइम हो गया 2। अब ये वाला 2 हम टाइम लेंगे, इसको नहीं लेंगे 1 को। रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया, पी पता चल गया, अमाउंट तो पता चल ही जाएगा। फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं ठीक है, दोबारा डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर रख रहे हैं। 60,000 और 1 प्लस आर कितना है? 6 अपॉन 100। इस बार पावर में 2 है ना टाइम, तो 2। फिर से वही काम, 2 3 6, ये हो गया 50, और यहाँ पर आया 60,000 × 50 50 और 3, 53 अपॉन 50, और पावर में 2 है तो इसलिए यही चीज़ हम 2 बार लिखेंगे। चलिए काट देते हैं, ये 2 0 कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 12 60 और 1 0 बचा हुआ है, 120 हो गया। और 120 को जब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 2 10, 2 बच गया तो 20 20 हो गया, 5 4 20, ठीक है। काटना आपको आता होगा। अब बचा क्या? 24 53 53, नीचे कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई करके लिख दो। 24 × 53 × 53, इसका स्क्वायर कुछ होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे लेकिन मैं भूल गया, याद नहीं है, फिर से निकाल लेते हैं। 53 × 53, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25, और 1 कैरी था तो 26, 9 10, और 6 और 1 7, और 1 कैरी था 8 2, इतना आ गया हमारा। कितना यही? 28 0 9, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब 24 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई भी करते हैं। कितने में? 28 0 9 मल्टीप्लाइड बाई 24, 4 9 36, 0 है तो वही रहेगा, 4 8 32, कैरी 3, 4 2 8 और 3 11, 2 9 18, 0 है तो 1 उधर जाएगा, 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, 6 8 और 3 11, 2 और 1 3, और 1 कैरी था 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो कितना आ गया ये? 67,416, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, और ये जो आया हमारा फॉर वन ईयर, ये जो आया बेटा हमारा वो 1 साल का आया, ठीक है। यही वो पूछ भी रहा था कि पहले क्वेश्चन आपका है कि 1 मंथ में, वो 6 मंथ में, और दूसरा क्वेश्चन है 1 ईयर में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये एक्चुअली में नीचे नीचे लिखना चाहिए, हम बगल बगल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ना नीचे, इसीलिए। तो अमाउंट दोनों का आ चुका है, यही आपका आंसर भी है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।